नमस्कार, मैं प्रिया। आज 13 अप्रैल। सुर्खियों की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आप बिहार से जुड़ी जानकारियों से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल रूबरू बिहार को सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब चले बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड ने निकाली रिक्तियां। बोचहा उपचुनाव का फैसला, मतदान पेटी में बंद, इतने प्रतिशत लोगों की मेहनत का परिणाम जल्द। बिहार में जमीन की खरीद बिक्री होगी आसान। बिहार में अमानक बीजों पर लगेगी रोक। बिहार के कई जिलों में हीट वेव का अलर्ट। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार स्टेट होल्डिंग कंपनी लिमिटेड ने निकाली रिक्तियां। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड BSPHCL ने 185 पद पर सहायक विद्युत अभियंता, लेखा अधिकारी, राजस्व अधिकारी, सहायक आईटी प्रबंधक, कनिष्ठ अभियंता, कानूनी पर्यवेक्षक, सहायक पत्रकार क्लर्क, स्टोर सहायक, कनिष्ठ लेखा लिपिक के लिए आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास प्रासंगिक संकाय या विषयों में बीई, बीटेक, बीएससी, सीए, आईसीडब्ल्यूए, एमबीए, पीजीडीएम, एमसीए, प्रासंगिक अनुशासन में डिप्लोमा, एलएलबी, बीएलएलबी, बीबीए, एलबी, स्नातक आदि में डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार, ऑनलाइन आवेदन 18 अप्रैल 2022 तक, आधिकारिक वेबसाइट www.bspcl.co.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। बिहार में जमीन की खरीद बिक्री होगी आसान। बिहार में जमीन से जुड़े मामले सबसे ज्यादा है। ऐसे में बिहार सरकार लगातार जमीन से जुड़े मामलों को कम करने को लेकर विचार कर रही है, जिससे अपराध के मामलों में कमी आ सके। बता दें कि सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि जमीन से जुड़े मामलों के कारण प्रदेश में अपराध के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। ऐसे में अब बिहार जमीन से जुड़े मामलों को कम करने के लिए नई नई योजनाओं पर काम कर रही है। इसी कड़ी में अब बिहार सरकार ने जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री करवाने के लिए उसकी प्रक्रिया को आसान बना दिया है। बता दें कि बिहार में 11 जगहों पर निबंधन कार्यालय खोले जाने की बात कही गई है, जिसमें यह बताया गया है कि राजधानी पटना में 3 निबंधन कार्यालय खोले जाएंगे, जिसके बाद यह भी कहा जा रहा है कि अब जमीन की खरीद बिक्री करना आसान हो जाएगा। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे एन मंडल की। एन मंडल भारतीय फिल्म और टेलीविजन उद्योग में एक भारतीय निर्देशक, संपादक और निर्माता है। लोक आस्था के महापर्व छठ, डार्क नाइट और मुक्ति अभिषेक से के लिए उन्हें जाना जाता है। वो एक प्रोडक्शन कंपनी शिवाय प्रोडक्शंस प्राइवेट चलाते हैं। वो आनंद फिल्म्स प्रोडक्शन हाउस के भी मालिक है। मंडल का जन्म बिहार के समस्तीपुर के एक छोटे से गांव दसौत में हुआ था और उनका पालन पोषण समस्तीपुर शहर में हुआ था। उन्होंने बाल विद्या निकेतन और हाई स्कूल बांदा दरभंगा में अपनी औपचारिक शिक्षा पूरी की थी। उसके बाद उन्होंने अपनी माध्यमिक शिक्षा SDN कॉलेज देवकुली धाम दरभंगा से की थी। उन्होंने समस्तीपुर में सामाजिक गतिविधियों में भी भाग लिया था। बिहार के थानों का हाल बताएंगे अब आप। अब बिहार के थानों का लेखा जोखा आम नागरिक यानी कि आप खुद बताने वाले हैं, क्योंकि हाल ही में पुलिस महकमे के DGP से लेकर ADG रैंक के आला अधिकारियों ने पटना, मुजफ्फरपुर, वैशाली जिले के 1.5 दर्जन से अधिक थानों का निरीक्षण किया था, जिसके बाद ही ये निर्णय लिया गया है कि बिहार में थाना स्तर पर मौजूद गड़बड़ी या लापरवाही को ठीक करने के लिए पुलिस मुख्यालय के आला अधिकारियों की तरफ से औचक निरीक्षण करने का सिलसिला शुरू किया जाएगा। ये अधिकारी अब निरीक्षण के साथ ही संबंधित थानों के आसपास या फिर यहाँ आए लोगों से फीडबैक भी लेंगे। इसके अलावा थानों में स्टेशन के अलावा पेंडिंग मामलों की संख्या, लंबित वारंट और कुर्की जब्ती की भी तरीके से जांच की जाएगी। 10वीं और 12वीं टर्म 2 का प्रवेश पत्र जारी। बीते दिन CBSE ने 10वीं और 12वीं टर्म 2 परीक्षा के प्रवेश पत्र को जारी कर दिया है। सभी स्कूलों को बोर्ड ने ऑनलाइन प्रवेश पत्र भेजा है। अब स्कूल द्वारा प्रवेश पत्र को डाउनलोड कर छात्रों के बीच बांटा जाएगा। पहली बार ऐसा हुआ है जब 10वीं और 12वीं के छात्रों को 2 प्रवेश पत्र दिया गया है। टर्म 1 के बाद टर्म 2 के लिए प्रवेश पत्र जारी किया गया। परीक्षा 2 घंटे की होगी। टर्म 1 और टर्म 2 का रोल नंबर एक ही रखा गया है। सबसे खास बात यह है कि पहली बार CBSE द्वारा प्रवेश पत्र पर QR कोड भी डाला गया। हर केंद्र पर प्रवेश पत्र की जाँच उनके QR कोड से ही की जाएगी। बिहार में जल्द ही शुरू होगा मेगा टेक्सटाइल हब पर शुरू होगा काम। बिहार में जल्द ही टेक्सटाइल हब शुरू करने की तैयारी हो रही है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार बिहार के पश्चिम चंपारण के बगहा में मेगा टेक्सटाइल हब बनाने की तैयारी जोरों पर है। सबसे खास बात यह है कि इसके लिए प्रशासन ने 1700 एकड़ जमीन चिन्हित किया है, जिसके वरीय अधिकारियों ने हाल ही में निरीक्षण किया। माना जा रहा है कि इस टेक्सटाइल पार्क के शुरू होने से बड़े संख्या में लोगों को रोजगार मिल सकेगा। बिहार में वैसे ही बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। ऐसे में बिहार में शुरू होने वाला टेक्सटाइल हब रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए तुरूप का पत्ता साबित हो सकता है।
सकता है। इस बाबत जिलाधिकारी कुंदन कुमार के दिशा निर्देश के बाद बिहार यूपी सीमा पर 1700 एकड़ जमीन चिन्हित किया गया है और लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार मुहैया करवाने की पहल शुरू की जा रही है। बिहार में अमानक बीजों पर लगेगी रोक। बिहार में अब अगर आप भी खेती की सोच रहे हैं तो यकीनन आपको बीज की दरकार भी होगी, लेकिन कई बार ऐसी शिकायत भी आई है कि बिहार में कई जगहों पर मिलने वाले बीज अमानक है। हालांकि अब आपको ऐसी शिकायत से कम रूबरू नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि कृषि विभाग ने किसानों के खेत में बीज फेल होने की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए सख्त कदम उठाए हैं। विभाग ने नए वर्ष में बीज की गुणवत्ता जांच के लिए लक्ष्य तय करने के साथ ही अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय कर दी है। अधिकारियों को अब बीज के कम से कम 4000 नमूने लेकर जांच को भेजना होगा। खास बात यह है कि यह काम समय पर करना होगा। इसके लिए हर महीने का अलग अलग लक्ष्य तय किया गया है, जिससे अब उम्मीद यही है कि बिहार में अमानक बीज नहीं मिलेंगे। बोचहा उपचुनाव का फैसला, मतदान पेटी में बंद, इतने प्रतिशत लोगों की मेहनत का परिणाम जल्द। बिहार विधानसभा उपचुनाव के तहत बीते दिन बोचहा सीट पर मतदान करवाए गए, जिस को लेकर सुबह से ही मतदान करने के लिए लोगों की भीड़ देखने को मिली। प्रतिष्ठा की लड़ाई बनी इस सीट के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने जहां अपना दमखम दिखाया, वहीं दूसरी तरफ लोगों ने भी खूब वोट किए। निर्वाचन आयोग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बोचहा विधानसभा सीट के उपचुनाव को लेकर 6 बजे तक 59.20% मतदान हुआ। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित था, तो वहीं इस बाबत चुनाव आयोग ने कहा है कि शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हो गया है, जिसके बाद अब सभी को परिणाम का इंतजार है। इतने हजार प्रधानाध्यापकों और प्रधान शिक्षकों की होगी नियुक्ति। बिहार में जल्द ही हजारों प्रधानाध्यापकों और प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार राज्य के उच्च स्तरीय माध्यमिक में प्रधानाध्यापक और प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति होगी। दोनों मिलाकर लगभग 50,000 नियुक्ति होनी है। उच्च माध्यमिक विद्यालय में कम से कम 8 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। इसके अलावा माध्यमिक विद्यालय में 10 वर्ष का अनुभव जरूरी होगा। साथ ही साथ CBSE, BSEB और ICSE में स्थायी संबद्धता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में 12 वर्ष रेगुलर सेवा होना जरूरी होगा। परीक्षा की बात करें तो परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा में 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। बिहार में नहीं मिला COVID-19 का एक भी मामला। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में एक भी मरीज की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन फिलहाल बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या बरकरार है, जिसके तहत कुल मिलाकर 12 मरीजों का इलाज बिहार के विभिन्न अस्पतालों में चल ही रहा है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार ये डेटा 78,668 सैंपल की जांच के बाद सामने आया है। हालांकि बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कोई मामलों की पुष्टि तो नहीं हुई, लेकिन 3 मामले जरूर ठीक होकर घर वापस लौटे हैं, जिसके बाद जल्द ही उम्मीद जताई जा रही है कि बिहार COVID-19 मुक्त राज्य घोषित हो सकता है। राजगीर जू सफारी की कर रहे बुकिंग तो हो जाए सावधान। अगर आप भी आने वाले दिनों में राजगीर जू सफारी घूमने जाने का मन बना रहे हैं तो संभल जाए, क्योंकि आप तो छुट्टी के नाम पर अपना टिकट ऑनलाइन काट रहे होंगे, लेकिन आपके टिकट के पैसे कोई ठग अपने अकाउंट में ले रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना, इस बार साइबर शातिरों ने राजगीर जू सफारी की ऑनलाइन टिकट बुकिंग करने की फर्जी वेबसाइट बना दी है, जबकि हकीकत में राजगीर जू सफारी की ऑनलाइन टिकट बुकिंग की प्रक्रिया अभी शुरू ही नहीं हुई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि साइबर शातिरों ने बिहार टूरिज्म के लोगों का प्रयोग कर और उसमें राजगीर जू सफारी की तस्वीर डालकर ऑनलाइन टिकट बुकिंग की वेबसाइट बना दी है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब सोमवार को राजगीर जू सफारी के डायरेक्टर हेमंत कुमार को एक मेल आया। मधुबनी के भगवती स्थान उच्चैठ में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। मिथिला में एक प्रसिद्ध सिद्धपीठ के नाम से जाना जाने वाला भगवती स्थान उच्चैठ बेनीपट्टी अनुमंडल में स्थित है। भगवती मंदिर के गर्भगृह में मां दुर्गा सिंह पर कमल के आसन पर विराजमान है। इन्हें छिन्नमस्तिका दुर्गा भी कहा जाता है, क्योंकि दुर्गा मां सिर्फ कंधे पर ही दिखाई देती है, कंधे से ऊपर उनका सिर नहीं है। मान्यताओं के अनुसार कालिदास पहले काफी मूर्ख थे, परंतु इस स्थान पर मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त कर वो संस्कृत के प्रसिद्ध कवि और नाटककार बन गए थे। पिता है राजद के वफादार तो बेटे ने दिखाई जदयू से वफादारी। ऐसा राजनीति में ही संभव हो सकता है जब एक ही परिवार के एक ही खून के दो लोग अलग अलग पार्टी में सेवा देने में लगे हो। बिहार में भी ऐसे कई बलाएं हैं जो परिवार पार्टी से बड़ा नहीं हुआ है। बीते दिन भी यही मिसाल पेश हुई जब बिहार में मुख्य विपक्षी दल राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के घर में जदयू ने सेंधमारी की और जगदानंद सिंह के छोटे बेटे इंजीनियर अजीत सिंह लालू प्रसाद की जगह नीतीश कुमार को विश्वास में लेते हुए उनके हो गए। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने जगदानंद सिंह के छोटे बेटे को अपनी पार्टी में शामिल कराया, जो राजद के लिए एक तरह से बड़ा झटका है। बिहार में 6000 एकड़ जमीन की बदलेगी तस्वीर।
बिहार में 6000 एकड़ जमीन की तस्वीर जल्द ही बदलने वाली है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार विशेष भूमि सर्वेक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही भूदान के नाम पर हुई भूमि के हेराफेरी का भी पता चलने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि अब बिहार के सभी सर्वे कर्मियों को नई जिम्मेदारी दी गई है, जिसके तहत सर्वे कर्मियों को यह भी देखने की जिम्मेदारी दी गई है कि जमींदारों ने उस भूमि को भी तो दान में नहीं दे दिया जिनका स्वामित्व उनके पास नहीं था। इस श्रेणी के दान को अवैध घोषित किया जाएगा। भूमि पर फिर से राज्य सरकार का स्वामित्व कायम हो जाएगा। इसके अलावा भूदान में दी गई भूमि वापस लेने के मामलों की भी खोज हो रही है। बिहार के कई जिलों में हीट वेव का अलर्ट। मौसम की आंख मिचौली के बीच तापमान में कमी और बेसी लोगों के लिए पहेली बनी हुई है। मंगलवार को राजधानी में सुबह 9 बजे तक बादल और ठंडी हवा देखने को मिली और मौसम का सुहाना बना हुआ लगातार जारी रहा। दोपहर में तापमान में बढ़ोतरी से मौसम में तल्खी आ गई। मंगलवार को राजधानी का तापमान सोमवार की तुलना 1.6 डिग्री बढ़ गया। मंगलवार को राजधानी का अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री रहा, जबकि राज्य का सर्वाधिक अधिकतम तापमान औरंगाबाद में दर्ज किया गया। यहां का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। पटना मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार बुधवार को भी दक्षिणी बिहार के अधिकतर जिलों में तापमान में बढ़ोतरी के साथ हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। बुधवार को रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, गया, भोजपुर और बक्सर जिले में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। हेडमास्टर के लिए आवेदन तारीख बढ़ी आगे। अगर आप भी हेडमास्टर बनने की सोच रहे हैं और किसी कारणवश अब तक आवेदन नहीं कर पाए हैं तो निराश मत हो जाएं, क्योंकि अभी भी आपके पास हेडमास्टर बनने का मौका है। क्योंकि अभ्यर्थियों को एक और मौका देते हुए बिहार लोक सेवा आयोग ने उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के लिए आवेदन की तारीख बढ़ा दी है। आयोग की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक अभ्यर्थी अब ऑनलाइन आवेदन 21 अप्रैल तक कर सकते हैं। पहले इसके लिए 11 अप्रैल तक ही तारीख निर्धारित थी। इसी तरह आवेदन के बाद संपादित करने की तारीख में भी इजाफा किया गया है। अभ्यर्थी अब 30 अप्रैल तक आवेदन को संपादित कर सकते हैं। इसके लिए 18 अप्रैल तक का समय निर्धारित किया गया। इसके लिए ही ध्यान रहे कि योग्य उम्मीदवार www.bpsc.bis.nic.in पर जाकर नोटिफिकेशन चेक करते रहें। दिल्ली में बिहार की आवाज बनी महिला मुखिया। बीते दिन भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा नेशनल स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस आइकॉनिक वीक में छत्रहार मुखिया बिहार की आवाज बनी। ज्ञात हो कि यह मौका था आजादी के अमृत महोत्सव का। इस मौके के उपलक्ष्य में ही पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा 11 से 17 अप्रैल तक दिल्ली में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ही बिहार से 72 पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों का चयन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए किया गया। पहले दिन बिहार, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात के मंत्री और ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि ने भाग लिया, जिसकी जानकारी पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने अपने ट्विटर के माध्यम से दी है। साथ ही उन्होंने आइकॉनिक सप्ताह की तारीफ भी की। नवनियुक्त शिक्षकों को वेतन देना बना बिहार में चुनौती। बिहार के सभी नवनियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति तो हो गई, लेकिन अब इन्हें वेतन देना सरकार के लिए चुनौती बन गया है, क्योंकि मंगलवार को केंद्र सरकार ने प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में बिहार सरकार द्वारा शिक्षा के लिए पेश 13,993.75 करोड़ रुपए का बजट प्रस्ताव के विरुद्ध उक्त राशि की मंजूरी तो दे दी। बीते वित्त वर्ष 2021-22 में भी बिहार की तरफ से शिक्षा पर 13,142 करोड़ का बजट केंद्र सरकार के सामने रखा गया था। केंद्र ने 7800 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी थी। इसी प्रकार गत वर्ष की तुलना में इस बार केंद्र ने 1384 करोड़ रुपए ज्यादा देने पर सहमति दी है, लेकिन नवनियुक्त शिक्षकों का वेतन का मसला फंस गया है, क्योंकि प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में बिहार में नवनियुक्त शिक्षकों के वेतन के लिए 836 करोड़ रुपए की मांग केंद्र सरकार से की गई, जिसे केंद्र सरकार ने देने से इनकार कर दिया। पटना के गांव के लिए चयनित होगी हजारों नई योजनाएं। बिहार की राजधानी पटना के गांव अब विकसित होने वाले हैं, क्योंकि अब चयनित हजारों नई योजनाएं धरातल पर उतरने वाली हैं। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष में पटना जिले में लगभग 2500 योजनाएं चयनित की जाएंगी। ये योजनाएं ग्रामीण विकास को लेकर बनाई जाएंगी। पटना के 4 ऐसे प्रखंड हैं जहां योजनाओं को चयनित भी कर लिया गया है, जिसके तहत अब प्रत्येक पंचायत में 80 से 100 योजनाओं का चयन किया जाना है, ताकि ग्रामीण विकास के लिए खाका तैयार हो सके। इसमें गांव को सुंदर बनाने के लिए पर्यावरण संतुलन बनाने पर भी बल दिया जा रहा है। नए वित्तीय वर्ष में हर पंचायत से योजनाएं मांगी गई हैं, जिसमें गांव में नली गली, लाइटनिंग, आहार, पैन, तालाब आदि का निर्माण किया जाना है। बिहार में कोरोना से गई जान तो सरकार करेगी अनुदान से मदद। बिहार में कोरोना का कहर अब लगभग खत्म नजर आ रहा है, जिसके बाद से ही ऐसी बातें तेज हो गई थी कि क्या अब भी बिहार सरकार कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों को अनुदान राशि देगी या नहीं। तो हम आपको बता दें कि बिहार में कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले व्यक्तियों के स्वजनों को मुआवजा देने की प्रक्रिया जारी रहेगी। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसको लेकर स्थिति साफ कर दी है। साथ ही कहा है कि साल 2020 में जब कोरोना से लोगों की जान जाने लगी, तब उसी समय अप्रैल में 4 लाख रुपए मुआवजा देने का निर्णय लिया गया।
गया। इसके बाद जब केंद्र सरकार ने 50,000 रुपए दिए जाने की घोषणा की तो बिहार में 4,00,000 रुपए के अतिरिक्त और 50,000 रुपए और दिए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर निगरानी करता है कि मुआवजे राशि के भुगतान में कोई वंचित ना रहे। क्या हाजीपुर रेलवे स्टेशन का होगा नामांकन? हाजीपुर रेलवे स्टेशन के नामांकन की चर्चा बीते दिन से बिहार में तेज हो गई है, क्योंकि चिराग पासवान ने पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत के दौरान इसके संकेत दिए। दरअसल हुआ कुछ यूं कि 14 अप्रैल को होने वाले बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती की तैयारी को लेकर हो रही चर्चा पर उन्होंने कहा कि इस मौके पर इसी साल रामविलास पासवान की जयंती पर 5 जुलाई को उनके कर्मभूमि हाजीपुर में उनकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी। वहीं उनकी पुण्यतिथि 8 अक्टूबर को उनके जन्मभूमि पर प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि हाजीपुर रेलवे स्टेशन का नाम रामविलास पासवान के नाम पर करने के लिए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बात हुई थी। आने वाले समय में इस पर जल्द अमल किया जाएगा। हालांकि चिराग के इस दावे को केंद्र सरकार की तरफ से मंजूरी मिलती है या नहीं, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। राहुल गांधी के खिलाफ सुशील मोदी ने दर्ज करवाया मामला। बीते दिन पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ विधायक एमएलसी अदालत में आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है। मोदी ने कर्नाटक में 2019 में अपने चुनावी भाषण के लिए राहुल गांधी पर आरोप लगाए हैं, जहां उन्होंने कहा था कि सभी मोदी चोर हैं। राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार जिले में एक जनसभा के दौरान उक्त बातें कही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में नोटबंदी की और पूरे देश को बैंकों की कतार में खड़ा कर दिया। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि जिस कारण से राहुल गांधी के खिलाफ ये मामला दर्ज करवाया गया है, दरअसल हुआ कुछ यूं था कि गांधी ने अपने भाषण में कहा था कि नरेंद्र मोदी ने आम लोगों के पैसे को बैंकों से निकालने के लिए आंशिक रूप से प्रतिबंधित कर दिया है और आम लोगों का पैसा उनके 15 दोस्तों को दे दिया गया है। मोदी नाम के सभी लोग लूटने का काम करते हैं। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। लाल किले का 1648 में निर्माण पूरा हुआ। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। भारत में 1939 में अंग्रेजों के साथ हथियारबंद संघर्ष के लिए हिंदुस्तान लाल सेना इंडियन रेड आर्मी का गठन हुआ। सन 1952 में स्वतंत्र भारत की पहली संसद का सत्र शुरू हुआ। देश का पहला ध्वजवाहक जहाज INS 1978 में दिल्ली सेवा मुक्त हुआ था। भारतीय क्रिकेट टीम ने 1984 में शारजाह में पाकिस्तान को 58 रनों से हरा दिया था। पहली बार एशिया कप जीतने में कामयाब रही थी। नई दिल्ली में 1994 में एक्सकेप का स्वर्ण जयंती सत्र समापन हुआ। इसके साथ ही लारा दत्ता 2000 में मिस यूनिवर्स आज के दिन चुनी गई। विश्वनाथन आनंद 2005 में चौथी बार विश्व शतरंज चैंपियन बने। हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक और पटकथा लेखक चंदूलाल शाह का जन्म 1898 को हुआ। फिल्म अभिनेता बलराज साहनी का निधन 1973 में हुआ। व्हाट्सएप यूजर के लिए आया फोटो शेयरिंग से जुड़ा बेहतरीन फीचर। व्हाट्सएप इस वक्त दुनिया भर के करोड़ों यूजर का सबसे पसंदीदा इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप बना हुआ है। इस ऐप के जरिए यूजर चैटिंग करने के अलावा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ फोटो वीडियो भी शेयर करते हैं। यूजर के फोटो वीडियो शेयरिंग को पहले से ज्यादा मजेदार बनाने के लिए व्हाट्सएप एक नया फीचर लेकर आया है। WABETA Info की रिपोर्ट के अनुसार एंड्रॉइड, iOS, वेब और डेस्कटॉप के लिए आए व्हाट्सएप के लेटेस्ट बीटा अपडेट में डॉक्यूमेंट के पूरे डाउनलोड या फिर व्हाट्सएप के सर्वर पर अपलोड होने की पूरी जानकारी मिलेगी। कंपनी ने इस फीचर का नाम डॉक्यूमेंट शेयरिंग ETA रखा है। बड़े लक्ष्य के साथ ही CSK ने दर्ज की आसान सी जीत। बीते दिन चेन्नई सुपर किंग्स और बेंगलुरु के बीच खेले गए मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने आसान जीत दर्ज की। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पहले टॉस जीतकर RCB ने गेंदबाजी का फैसला लिया था, जिसके बाद चेन्नई की टीम बल्लेबाजी करने उतरी और इस दौरान चेन्नई की टीम ने 217 रनों का लक्ष्य सामने वाली टीम को दिया, जिसके जवाब में बेंगलुरु की तरफ से 193 रन ही बनाने में टीम को कामयाबी मिली। वहीं CSK की तरफ से रॉबिन उथप्पा और शिवम दुबे ने RCB के खिलाफ 17 छक्के लगाए। इनके धमाकेदार बल्लेबाजी के कारण ही चेन्नई सुपर किंग्स को सीजन की पहली जीत मिली और इतना बड़ा लक्ष्य सामने वाली टीम को देने में ये कामयाब हो सके। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है अजय कुमार, गोल्डन कुमार सिंह, मंतोष कुमार, विकास बिहारी, सुबोध कुमार, प्रियांशु कुमार, ललित कुमार यादव, अखिलेश यादव, पंकज कुमार, सोनम देवी। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल के। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार में जमीन खरीद बिक्री के काम से आप संतुष्ट है या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।